मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बर्ड फ्लू के खतरे से निपटने के लिए बुधवार को आला अफसरों के साथ आपात बैठक की। इसमें फैसला लिया गया कि दक्षिण भारत के कुछ राज्यों से कुछ दिनों के लिए पोल्ट्री का कारोबार रोक दिया जाएगा। अधिकारियों को सभी एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। बर्ड फ्लू को लेकर हुई आपात बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एहतियात के तौर पर दक्षिण भारत के कुछ राज्यों से कुछ दिनों के लिए पोल्ट्री का कारोबार रोक दिया गया है। इंदौर, आगरमालवा और मंदसौर में कुछ कौओं की मौत के बाद सावधानी बरती जा रही है। हालांकि अभी प्रदेश में संकट जैसी स्थिति नहीं है, बचाव के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। 23 दिसंबर से 3 जनवरी 2021 तक इंदौर में 142, मंदसौर में 100, आगरमालवा में 112, खरगोन जिले में 13 और सीहोर में 9 कौओं की मौत हुई है। मृत कौओं के नमूने तुरंत भोपाल स्थित स्टेट DI लैब भेजे गए हैं। हालांकि पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने कहा कि कौओं में पाए जाने वाले वायरस H5H8 अब तक मुर्गियों में नहीं मिला है। इसके साथ ही पशुपालन विभाग और सहयोगी एजेंसियों को इस मामले में सजग रहने, रैंडम चैट करने और आमजन को आवश्यक जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। बर्ड फ्लू को लेकर आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उच्च स्तरीय बैठक ली है और ये निर्देश दिया गया है कि इस पूरे मामले की जिला स्तर पर पूरी तरह से मॉनिटरिंग हो, निगरानी हो। मध्य प्रदेश की सरकार इस पूरी स्थिति का जायजा ले रही है और ये निश्चित किया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर कि जिलों में रैंडम चेकिंग के माध्यम से ये सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी पोल्ट्री फार्म में या खाने वाले पक्षी में ये वायरस ना पहुंचे। बैठक में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल इस मसले पर कुछ और ही कहानी कहते नजर आए। उन्होंने बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए सभी तरीके की मांस की दुकानों पर जल्द ही प्रतिबंध लगाने की बात कही है। देखो, बंद का मतलब क्या है, हमको तो सभी जानवरों को बचाना है तो करना तो पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। आज ही अभी आपके पत्र साथी बोल रहे थे कि भाई मटन के ऊपर भी रोक लगा है, तो जिस चीज पे हमको नुकसान है उस चीज के ऊपर तो हम लोग निगरानी भी रखेंगे और उसको रोकने के लिए भी काम तो करना पड़ेगा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।